दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार आजकल किसी से भी नहीं डरते। जी हाँ दोस्तों, सलमान, शाहरुख, आमिर जो भी सामने आए, क्लैश करने को भी तैयार और क्लैश होने के बावजूद रिकॉर्ड बनाने को भी तैयार हैं खिलाड़ी अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार ने ये बात सिद्ध कर दी, अगर साहू 15 अगस्त को उनके सामने रिलीज हो जाती तो मिशन मंगल प्रभास की साहू को भी हराने की क्षमता रखती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब साहू के रिलीज होने के बाद भी मिशन मंगल ने अपने कमाने की स्पीड नहीं छोड़ी है, जबकि उसके पास अब मात्र 700 से 800 स्क्रीन सी बची है, उसके बावजूद करोड़ों में कमाई कर रही है अक्षय की फिल्म मिशन मंगल। आज ये बॉक्स ऑफिस पे 20वां दिन बिता रही है, जिसकी कमाई की समीक्षा इस वीडियो पे हम करेंगे कि किस प्रकार से मिशन मंगल आगे बढ़ रही है। दोस्तों आपको बता दें, शनिवार और रविवार को मिशन मंगल की कमाई में तेजी देखने को मिली और ये फिल्म 19 दिनों में 187 करोड़ रुपए कमा गई थी। पहले वीक में 128, दूसरे में 50, तीसरे में 10 करोड़ के कलेक्शन के साथ मिशन मंगल आगे बढ़ी। दोस्तों आपको ये बता दें, मिशन मंगल ने 5 दिन में 100 करोड़, 11 दिन में 150 करोड़ और 14 दिन में 175 करोड़ का कलेक्शन पार किया और ये बेंचमार्क अक्षय ने काफी तेजी से पार किए बाटला हाउस से क्लैश के बावजूद। अब दोस्तों, रिलीज होने वाली फिल्म साहू के बाद भी मिशन मंगल शनिवार को 3.25 करोड़ और रविवार को 4.25 करोड़ की कमाई के साथ 187.20 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जो कि काफी शानदार आंकड़ा है अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए। अक्षय के अलावा इस फिल्म के अंदर हमें विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन, कृति कुल्हारी, शर्मन जोशी नजर आ रहे हैं। अक्षय के साथ हम इस फिल्म के डायरेक्टर जगन शक्ति की तारीफ करेंगे, जिन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म पेश की है, एंटरटेन के साथ एक सीख देने वाली फिल्म। दोस्तों आज सोमवार को गणेश चतुर्थी का फायदा भी मिशन मंगल को मिलने वाला है और ये फिल्म आज भी लगभग 3 करोड़ का कलेक्शन करने वाला है और 190 करोड़ का इसका कलेक्शन अब भारत में हो जाएगा 20 दिनों के अंदर। अब दोस्तों अक्षय कुमार की इस फिल्म की ओवरसीज कलेक्शन की बात करेंगे तो ये फिल्म वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अक्षय कुमार ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कमाने का अपनी ही फिल्म केसरी और पैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा और ये फिल्म विदेशों में जमकर कमाई कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, 20 दिन में टोटल ओवरसीज ये फिल्म 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इतने बेहतरीन तरीके से ये 35 करोड़ में बनी बजट की फिल्म आगे बढ़ रही है और अपनी लागत से लगभग 200 गुना ज्यादा की कमाई ये कर चुकी है। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन सामने आता है 270 करोड़ रुपए। साथ ही दोस्तों, रिलीज होने से पहले भी अपने सैटेलाइट से ये 80 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, यानी कि अक्षय के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ है मिशन मंगल और दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई है। अब इस फिल्म को 200 करोड़ के क्लब में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी मिशन मंगल के 20 दिनों की अपडेट। खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे। एम करते हैं वीडियो पे 1000 लाइक के लिए।